हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे विकी कौशल की ड्राइंग। ठीक, तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें क्या 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 यूज़ करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनाते हैं। तो आउटलाइन हमने बना रखी है, आप देख रहे हो पेपर पे। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे शेडिंग, शेडिंग करेंगे पूरी आउटलाइन की। ठीक है, तो चारकोल की पेंसिल का यूज करके हम आईब्रो को बना रहे हैं। तो आईब्रो में हमें चारकोल की पेंसिल का यूज क्यों करना है, क्योंकि वो डार्क एरिया है, तो डार्क एरिया में हम चारकोल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी पेंसिल होती है चारकोल की पेंसिल, आप उसे डार्क करो, बहुत अच्छा है। ठीक, तो बहुत आराम आराम से आपको बनाना है। तो देखिए, अब ब्लेंडिंग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं, जैसे ब्रश हो गया, पेपर स्टम्प हो गया और टिश्यू पेपर हो गया। तो जो भी जहाँ जैसे एरिया होगा उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे आईब्रो और इसके नीचे हमें यहाँ हम टिश्यू का यूज़ नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, थोड़ा बड़े एरिया के लिए होता है। यहाँ पे हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे आप यूज़ कर लीजिए। अब आईब्रो में हम ब्रश का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, वहाँ पेपर स्टम्प का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा वो कर देता है एरिया, मतलब कि जो चीज़ें थोड़ा जैसे हाईलाइटिंग का एरिया होता है ना, वो नहीं सही हो पाता, यहाँ पर हम ब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक, अब पेपर स्टम्प का यूज़ करें, जैसे आईब्रो के नीचे का जो पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये है टोम्बो मोनो इरेजर, इससे हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, जो चीज़ें आप बारीकी चीज़ें होती हैं वहाँ इरेज करना होता है, तो हमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक, तो ये हमारी आई जो है लगभग लगभग बन गई। तो अब हम यहाँ करेंगे जैसे कि आई और आईब्रो के बीच में जो है शेडिंग करना, तो ये 2B पेंसिल, ठीक है, 2B पेंसिल का यूज़ करके उसको आराम से हल्के हल्के हाथों से शेड करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना, ये पेपर स्टम्प, यहाँ पे हम पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम हाईलाइट करने के लिए टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करेंगे। ठीक, तो इसका यूज यहाँ पे करने से क्या होता है कि चीज़ें जो हल्की हल्की चीज़ें नहीं होती, जहाँ पे कम चीज़ें होती है हाईलाइट करना होता है, यहाँ पे हम बड़े इरेजर का यूज नहीं कर सकते, तो इस छोटे इरेजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली आई है वो अच्छी बन गई है, तो उसको हम ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए सेम जैसे पहले में हुआ था वैसे दूसरे में करना है। पहले चारकोल का पेंसिल हल्के हल्के हाथों से यूज करेंगे, यूज करने के बाद हम दूसरी बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे आराम से, ब्लेंड आपको बहुत ध्यान से करना होगा। अब आई बनाएंगे, दूसरी आई सेम ऐसे ही जैसे पहली बनाई थी वैसे ही आई। पहले आउटलाइन पे ध्यान से देखना होगा, आउटलाइन कहाँ तक है आपकी चीज़ें। ठीक है, आउटलाइन परफेक्ट रहेगी तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आराम से बनानी है आपको, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अंदर के पार्ट में जितनी भी आई है लमसम जहाँ डार्क एरिया वहाँ पर आपको चारकोल का यूज़ करना है, उसके बाद जो है वहाँ पर आपको HB पेंसिल, 2B पेंसिल इस तरह का यूज़ करना है। ठीक, बहुत ही आराम से यूज़ करना, कोई हड़बड़ाना नहीं। यहाँ पे पेपर स्टम्प का यूज़ कर लेंगे, पेपर स्टम्प का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल्का जैसे नीचे का शेड दिख रहा है वो वहाँ पे हम जो उसका आईब्रो का है उसका हेयर बनाएंगे। ठीक, ये हाईलाइट करने के लिए हम टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करेंगे। अब हम बनाएंगे नोज। ठीक, तो नोज में भी हमें कौन सा यूज करना है पेंसिल, इसमें ज़्यादा डार्क नीचे ही है। ठीक है, तो नीचे डार्क कर देंगे नोज के। ठीक, उसके बाद जो है एरिया वो हम जैसे कि HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, HB पेंसिल का यूज़ करके हम आराम से बना देंगे, ये शेड करना है। ठीक, हल्के हल्के हाथों से शेड करना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे हम पेपर स्टम्प का यूज़ कर लेंगे। ठीक, देखिए नोज बहुत प्यारी बन गई है, और इसी तरह से हम बीच के जो पार्ट है वहाँ पे भी हम पेंसिल से हल्के हल्के हाथों से करेंगे। ठीक, अभी पेंसिल से हल्के हल्के हाथों से कर लेंगे तो हमारा जो नोज है बहुत ही प्यारा बन जाएगा। ठीक, नोज और आई हमारी दो चीज़ जो है बहुत अच्छे से बन गई हैं। यही सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी, जहाँ पे हाईलाइट करनी हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो दोस्तों हमारी नोज और आई अच्छे से बन गई। ठीक, तो अब हम यहाँ पर जो एरिया डार्क दिख रहा है तो इसको हम पेपर स्टम्प का यूज़ करेंगे, और हाईलाइट करने के लिए इस पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो पार्ट जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप यहाँ पे अच्छे से यूज़ किए तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स
अब हम बनाएंगे बीयर्ड और माउथ को, ठीक है। तो बीयर्ड में आपको ध्यान से देखना है कि जैसे स्टार्टिंग में नोज और लिप के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे आपको बहुत ही आराम से देखना है। उसके बाद एंडिंग, जहाँ पे एंडिंग हो रही है अब मूछ की, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर ये दोनों सही है तो बीच के पार्ट में आप थोड़ा 19-20 भी रहेगा ना तो चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन आपके ये दो पार्ट आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने किया, ठीक है, तो सेम वैसे आपको करना है। अगर आप वैसा करेंगे तो फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मूछ जो है क्लियर बन गई। तो अब जो है अंदर लिप के पार्ट को देखेंगे, वहाँ पे बहुत ही सही से देखना होगा आपको, ठीक है। हर एक पार्ट को, जितने भी पार्ट हैं उसको अच्छे से देखना होगा। ब्लेंडिंग कितने से कहाँ पे करना, जैसे ये कम स्पेस था, ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लेंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टोम्बो मोनो इरेजर से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वो एक तरफ से इरेजर ही होता है, ठीक है, वो इरेज करता है चीज़ों को। अगर भी आप बड़ा इरेजर ले लो तो उससे सही से नहीं होगा, वो पेंसिल की तरह होता है, पेंसिल की तरह से हम अच्छे से इरेज कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो लगभग लगभग बन चुका है, लिप बन गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे फेस, पूरा फेस जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इतना पहले कवर करते हैं यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा पूरा मतलब फेस का आकार हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे HB पेंसिल से, ठीक है। HB पेंसिल से हम पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे है लाइट, उसको हम आराम से लाइटिंग हल्के हल्के हाथ से कर लेंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्पेस है तो यहाँ पे हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का यूज़ करने से थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के लिए आप कई चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन टिश्यू पेपर का यूज़ करने से आप देख रहे होगे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी बाहर के पार्ट पे जहाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो गया उसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद 2B पेंसिल, HB पेंसिल के बाद 2B पेंसिल, उससे ज़्यादा डार्क, इस तरह से आप डार्क वाइज डार्क बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा डार्क जो इधर क्या नाम है राइट गाल पे है वहाँ पे आप देखो ज़्यादा डार्क है, तो चीज़ें इस तरह से आपको डार्क करते करते, अब ये 4B पेंसिल, 6B पेंसिल, इस तरह से हम डार्क वाइज डार्क करते जाएंगे। ब्लेंडिंग के लिए आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, टिश्यू पेपर अच्छा लगे टिश्यू पेपर कर सकते हो, ब्रश लगे तो ब्रश, जो भी आपको सही लगे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जिसका जिससे हाथ सेट हो जाए। जब भी आप शेड करने लगो तो उसमें क्या करना है कि आपको बहुत हल्के हल्के हाथ से चलाना होगा पेंसिल, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एकदम पेंसिल को फोर्स करके नहीं करना है, एकदम दबा के नहीं करना है, हल्के हाथ से, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। अभी जो माथे की, जो माथे पे जो लकीरें नहीं है, जो हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो उसको भी हम थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। पहले हल्के उससे कर लेंगे, फिर उसके बाद डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आई के नीचे, लिप के नीचे, माउथ के, जितना भी चीज़ें आपको दिख रही सही से, वो शेडिंग करने के लिए जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे हम डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे हम लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। लाइट पेंसिल में जैसे HB पेंसिल हो गया, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हुआ तो 2B पेंसिल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लाइट पेंसिल में, अब लाइट एरिया में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी सही होती जाएंगी। तो ये हमारा ये पार्ट जो है अभी और बनाना भी, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करना है, पहले हल्की पेंसिल का यूज़ करना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से आपको करते जाना। 10B पेंसिल तक होती है, ठीक। 10B पेंसिल के बाद वो डार्क पेंसिल, वो वहाँ तक पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। 10B में जैसे कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे ये जो गर्दन के नीचे जो एरिया दिख रहा है ना, ये माओ क्या नाम है, फेस के नीचे जो एरिया पे है वहाँ पे कॉलर के पास दी, वहाँ पे आपको 10B पेंसिल का यूज़ करना होता है। बाकी सब पेंसिल इसमें तो ज़्यादातर HB, 2B, 4B और 6B, यहाँ तक पेंसिल का आप यूज़ करके आराम से फेस पे यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद हम बनाएंगे ईयर को, ठीक है। तो पार्ट्स आप कर लेते हैं, अभी बहुत सारे पार्ट जिसे यहाँ पे है इसको देखना है, इस साइड का पार्ट देखो यहाँ पे अभी ये पूरा बाकी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जितनी डीपली से काम करते रहोगे चीज़ें उतनी अच्छी बनती रहेंगी। अब ये जो पेपर स्टम्प है, छोटे छोटे स्पेस पे जहाँ पे आप यूज़ करते हो ना वहाँ पेपर स्टम्प यूज़ कर सकते हो। अब हम ईयर को बनाएंगे, ईयर में भी, ईयर को भी जल्दी से बनाते हैं। ईयर में भी सेम वैसे ही है, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल और 6B पेंसिल, ठीक। ये ईयर जो है लाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो आपको ये दो पेंसिल, तीन पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक।
ये हमारा ईयर बन गया। तब इसको हम शेड कर देंगे हल्के से, पहले ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद अब हमने टोमो मोनो इरेजर से उसको जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट कर देंगे। ठीक, ये हमारा ईयर बन गया है। ठीक, थोड़ा सा इसको जहाँ डार्क एरिया थोड़ा डार्क कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा ईयर कम्प्लीट हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा ईयर सेम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, आराम से कर लेंगे चीज़ों को। ये देखिए, ईयर हमारा दूसरा ईयर भी बन गया। इसको भी हम आराम से पेपर स्टम्प में ही उतना मतलब पेंसिल का यूज हो चुका था, तो देखिए मैं एक उसी से बना दिया। वो हमें आइडिया है ना कितना लाइट करना, कितने कैसे करना, वो सब हो जाता है। ठीक है, तो हेयर पे हम क्या करेंगे, चारकोल का पेंसिल का यूज़ करेंगे। बहुत आराम आराम से पहले एक एक लेयर को आराम से बना लेंगे हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, फिर इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आपको बस देखना किस डायरेक्शन में कौन सा हेयर कैसे गया है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। ठीक है, ये देखिए तो अच्छा दिखेगा। तो फन थोड़ा सा आप जो चीज़ बनाओगे ना तो चीज़ थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगेंगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हेयर ये नीचे हेयर गया है, वो ऊपर हेयर गया है, वो साइड में हेयर गया है, ये थोड़ा ऐसे गया है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, हेयर कितना अच्छा लग रहा होगा। देखिए अभी जब आप आराम से करोगे ना, अभी गुत्थम गुत्थी कर दोगे चीज़ें, तो फिर वो नहीं समझ में आएंगी। आपको हर एक चीज़ को बहुत आराम से करना है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करोगे तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी। देखिए अभी हेयर बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद जब पूरा अभी ब्लेंड करूँगा, ठीक है, ब्लेंड करने के बाद चीज़ें और अच्छी दिखेंगी। सारी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक, ये देखिए हेयर बन गया। अब इसके बाद हम इसको ब्रश के जरिए कर देंगे। ठीक है, इसमें आप टिशू नहीं कर सकते, टिशू करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ब्रश से देखिए बहुत प्यारा हो गया। ठीक, फिर दूसरा लेयर करने के बाद ये देखिए, फिर से जब मैंने किया ना, वो दूसरा लेयर था थोड़ा डार्क एरिया। अब इसे हम क्या करेंगे, टोमो मोनो इरेजर जो है इससे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद देखिए कितना प्यारा आएगा। ठीक है, एकदम नेचुरल जैसा हेयर दिख रहा है। ठीक, देखिए ये टोमो मोनो इरेजर का अपना एक अलग अपना मज़ा रहता है उसका। अगर आपके पास है तो आप अच्छे से बना सकते हो, मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, तो अब ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये जो बाकी स्पेस वर्दी और ये जो गले का है पूरा, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, 2B, 4B और 6B। नेक के साइड आपको वहाँ पे 6B और 8B का यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी सभी जगह आपको 2B और 4B पेंसिल का यूज करके पूरा करना है। ठीक, कहीं कहीं पे डार्क दिख रहा है तो वहाँ पे आपको 8B और 6B। ठीक है, जैसे ये कॉलर के नीचे दिख रहा होगा एरिया, वहाँ पे आप थोड़ा कर सकते हो। पहले मैंने कर लिया HB पेंसिल। ठीक, HB पेंसिल से पूरा हो गया। अब उसके बाद जहाँ जहाँ डार्क ज़्यादा एरिया है वहाँ पर हम 2B पेंसिल का यूज़ करके इस तरह से डार्क कर लेंगे। हर चीज़ का एक अपना वो होता है, तरीका होता है। ठीक, उस तरीके से अगर आप करोगे चीज़ें तो सही हो जाएंगी। अब इसके बाद हम फिर से दूसरा पेंसिल का यूज़ करेंगे जहाँ पर डार्क है भी है। ठीक है, ये है 4B पेंसिल। ठीक, 4B पेंसिल दिख रहा है ना। तो सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करने पे ही समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ से कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी है। टाइम भले लगेगा लेकिन आप जब बनाओगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। ठीक, अब यहाँ पर हाईलाइट जहाँ जहाँ पर दिख रहा होगा आपको हाईलाइट करना होगा। ठीक है, प्यार बहुत प्यारी ड्राइंग बनी है। ठीक है, और मज़ा आएगा जब आप चीज़ें अच्छे से बनाने लगोगे, आपको खुद अच्छा लगेगा तो आप भी अच्छे से बनाओगे। ठीक है, देखिए हाईलाइट करने के बाद वो चीज़ एकदम समझ में आती है कि चाहिए ऐसा है, स्पेस यहाँ पे लाइटिंग का ही ऐसा है। सब चीज़ बहुत ध्यान से देखने को दोस्तों, जितनी चीज़ें आप डिटेलिंग करोगे चीज़ें उतना टाइम लगेगा। आप डिटेलिंग करोगे तो चीज़ें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये ड्राइंग अगर मैं 4 घंटे 5 घंटे में बनाऊँ तो चीज़ें और अच्छे से बन के आएंगी। ठीक है, ये 2 घंटे बनाओ तो थोड़ा कम अच्छी आएगी, 1 घंटे बनाओ तो कम अच्छी, उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है। टाइम आप दोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से बनेंगी। HB पेंसिल से पूरी लाइटिंग कर लिया। अब जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हम डार्क एरिया जैसे कि ये, ठीक है, इसको हम डार्क कर लेंगे। सब चीज़ें बहुत ध्यान से बनानी है आपको। जो डार्क है उसको डार्क कर देंगे। ठीक है, बस 4-5 मिनट की वीडियो और बची, 4-5 मिनट या 2 से 3 मिनट का वीडियो है वो, 4-5 मिनट मुझे लगा पूरा करने में। तो यहाँ मैं फास्ट और स्लो में कर रहा हूँ, तो चीज़ें आपको 2-3 मिनट में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देखना है। जैसे ये शेडो यहाँ डार्क थी, यहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना था, 6B और 8B। तो डार्क एरिया जो है वहाँ पर आपको 6B और 8B का यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया है। ठीक, तो ये हमारा कॉलर एक साइड का बन गया। अब जो है सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी करना है। ठीक है, फटाक से चीज़ें करनी है।
आराम आराम सारी चीज़ आपको देखना है, लाइनिंग बाई लाइनिंग जितनी भी चीज़ें हैं। अगर आप आउटलाइन अच्छी बनाए रखो तो आप आउटलाइन में आपको सब मिल जाता है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जा रही हैं। बहुत लोग होते हैं जैसे मैं खुद वैसे कभी कभी वैसा करता हूँ, जैसे फेस और हेयर का चीज़ें नेक तक जहाँ तक फेस है उसको आदमी अच्छे से बनाता है, उसके बाद चीज़ें जो होती है ये वर्दी हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें आदमी थोड़ा सा लेजी कर लेता है, आराम से फटाफट कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। अगर आपको आइडिया रहेगा तो आप भी जल्दी कर पाओगे। दोस्तों हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, आई होप कि आपको ये ड्राइंग बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो हम आपको इसको जूम करके दिखाते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके दोस्त लोग हैं उनको आप शेयर करिए जो बनाना सीखना चाहते हैं, जो जो आपके अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।